हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का मेडुअल हिस्ट्री चल रहा था, तो मेडुअल हिस्ट्री में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिया था, कुछ बाकी हैं। मेडुअल हिस्ट्री से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए आप लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा था भारत की विजय पर, ये भी मैंने करा दिया था। इसके बाद देख लीजिए भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति, यही चल रही थी दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को 26 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, आज उसी के आगे मैं कराने जा रहा हूं। तो देख लीजिए, केलिको निम्नलिखित में किससे संबंधित है दोस्तों? तो भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा है। तो देखिए, यह एक भारतीय कपड़ा था जिसे अंग्रेजी यूरोप को निर्यात करती थी और वहां इसे कोलिको कहा जाता था। इसके बाद देखिए, ददनी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी, तो बी सही है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 17वीं और 18वीं सदी में ददनी प्रथा अधिक चलन में थी, जिसके अनुसार देशी विदेशी दोनों व्यापार कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और माल तैयार हो जाने के बाद उसे ले लिया करते थे, इसे ही ददनी प्रथा कहा जाता था। अगला देख लीजिए, अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा कृषि की पैदावार निरंतर घट रही थी। इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को स्थायी करना था। अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। तो 1, 2, 3 है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। ब्रिटिश अधिकारी आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से भी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल विजय के समय उत्पन्न हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी। बार बार अकाल पड़े तथा कृषि की पैदावार घटती गई। अंग्रेजों ने कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तमरारी बंदोबस्त का चुनाव किया। इसके अनुसार यदि सरकार राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दे तो कंपनी को नियमित राजस्व मिलेगा, उद्यमकर्ता भी अपनी पूंजी निवेश से लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि लाभ में कंपनी की भागीदारी नहीं थी। अधिकारियों का यह आशा था कि इस व्यवस्था से छोटे किसान तथा धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। अगला देख लीजिए, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन किन भूमि व्यवस्था से था दोस्तों? तो देख लीजिए, था स्तनमरारी, तो केवल एक सही है। इसके बाद के सूर्यास्त नियम का संबंध स्तनमरारी बंदोबस्त था। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पूना से। कहाँ से? पूना से। सूपा आंदोलन की शुरुआत पूना जिले से हुई थी। सूपा एक विपणन केंद्र था जहां पर अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को वहां आसपास के ग्रामीण इलाकों की रैयत इकट्ठा हो गई। उन्होंने साहूकारों के बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली, उनके घरों को आग लगा दिया गया। इसके बाद देखिए, पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए। मैनचेस्टर काटन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1859 में। इसके बाद देख लीजिए यहां क्या है, 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर काटन कंपनी बनाई गई। इसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। उल्लेखनीय है कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की दशा में लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। अगला देख लीजिए दोस्तों, 1859 में अंग्रेजों द्वारा पारित परिसीमन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए, ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र को केवल 3 वर्षों की मान्यता प्रदान की गई है। बिल्कुल सही है, इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। तो सी सही है, 1 और 2। अगला देख लीजिए दोस्तों, इसकी व्याख्या, रैयतों द्वारा ऋणदाताओं की धोखाधड़ी की शिकायतों के कारण 1859 में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून पारित किया गया जिसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को सचेत होने से रोकना था, किंतु ऋणदाताओं ने इस कानून को अपने पक्ष में कर लिया और रैयतों से हर तीसरे वर्ष एक नया बंधन पत्र भरवाने लगे। जब
ऋण चुकाए जाते तो ऋणदाता रैयतों को उसकी रसीद देने से मना कर देते थे। बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे। किसानों की फसलों को कम कीमतों पर ले लेते थे और आखिर किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। इसके बाद देख लीजिए, इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यह व्यवस्था कार्नवालिस के समय में बंगाल और आसपास के क्षेत्रों पर लागू की गई, तो केवल एक सही है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में बंगाल व आसपास के क्षेत्रों में लागू हुआ। उसी समय कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। कंपनी समस्त संपदा पर कुल राजस्व का निर्धारण करती थी। उसके बाद जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से कितनी राशि एकत्र करनी है। जमींदार अब गांव की जमीन का स्थायी स्वामी नहीं था, बल्कि वह राजस्व का समाहर्ता मात्र था। अगला देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त की असफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए, ऊंची राजस्व मांग, असमान राजस्व निर्धारण, फिर इसके बाद देखिए जमींदारों को सीमित अधिकार, 1, 2, 3 सही है। इसके बाद देखिए, कंपनी ने राजस्व की दरों को ऊंचे स्तर पर रखा था। इसके लिए दलील दी गई कि ज्यों ज्यों किसानों के उत्पाद में वृद्धि होती जाएगी, कीमतें बढ़ेगी, जमींदारों का बोझ कम होता जाएगा, राजस्व निर्धारण असमान था, फसल अच्छी हो या खराब राजस्व की निर्धारित राशि एक निश्चित समय में दी जाएगी, राजस्व न चुकाया गया तो जमींदार नीलाम कर दी जाएगी। अगला देखिए, कंपनी जमींदारों को अपने अधीन रखनी चाहती थी, इसलिए उन्हें सीमित अधिकार प्रदान किए। इसके लिए जमींदारों को सैन टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। जमींदारों से न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था की शक्ति को समाप्त करके उसे कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया। इसके बाद देखिए, जमींदारी वर्ग की किसानों से सहानुभूत के उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। जमींदार और ब्रिटिश सरकार दोनों ही किसानों का शोषण करते थे। अगला देख लीजिए, जोरदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए, यह धनी किसानों का वर्ग था, तो केवल एक सही है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, बंगाल में धनी किसानों को जोरदार कहा जाता था। वे लोग बड़े बड़े रकबे पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर नियंत्रण होता था। जोतदार जमींदारों को शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग था। ये गांव में ही रहते थे, जिसके कारण ग्रामवासियों पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता था। ये लोग जमींदार द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रत्ययों का प्रतिरोध करते थे। इसके बाद देख लीजिए, अगला देखिए, पहाड़ी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे, बिल्कुल सही है। झूम खेती करते थे, ये भी सही है। जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे, तो 1, 2, 3 सही है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ क्या है, पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के कई इर्द गिर्द रहा करते थे। ये झूम खेती करते थे। ये लोग खाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। इनके अतिरिक्त बेचने और रेशम की कोया और राल तथा काठ कोयला बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनके मुखिया अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी झगड़ों को निपटाते थे। मैदान में रहने वाले जमींदार अपने तंत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और व्यापारी इनके इलाकों में सुरक्षित आवागमन के लिए पथकर नियमित रूप से देते थे। इसके बाद देख लीजिए, अगला देख लीजिए दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा संथाल को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसने और संबंधी कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ये लोग झूम खेती का प्रयोग करके जंगल साफ करते थे, बिल्कुल सही है। ये आरंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे, तो सी सही है, 1 और 2। इसके बाद देख लीजिए, जब ब्रिटिश सरकार पहाड़ी जनजाति को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाई तो राजमहल पहाड़ी की आसपास के जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाने के लिए संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया। ये लोग हल का प्रयोग करके पहाड़ी भूमि को पूरी तरह ताकत लगाकर खेती योग्य बनाते थे। इसके बाद के शुरू में संथाल खान बदोश जीवन जीते थे, परंतु जब वे एक जगह पर बस गए तो कई तरह की वाणिज्यिक खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। ब्रिटिश सरकार ने उनका उपयोग केवल जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया। उनको दी गई जमीन पर शुरू के 10 वर्षों में 10वें भाग को साफ करके खेती करना आवश्यक था। इसके बाद देखिए, दामिन इनको के संबंध निम्नलिखित में से किससे था दोस्तों, संथाल परगना से था। यहाँ देख लीजिए कि अंग्रेजों द्वारा संथालों को जमीन देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया। जमीन के बड़े भाग को दामिन इन एक को के रूप में सीमांकित किया गया। इसे संथाल की भूमि घोषित किया गया। इन्हें इलाकों के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनाना था। संथालों को दी गई भूमि के अनुदान पत्र में यह कहा गया कि दी गई भूमि के 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के लिए भीतर जोतना था। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, क्या कारण थे कि इस
इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद बिरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। तो देखिए 1810 की उपज के मूल्य में वृद्धि हुई, बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ जिसने अंग्रेजों की हिस्सेदारी नहीं की, तो एक और दो सही है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बिरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। इसका कारण यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमत बढ़ गई जिसमें राजस्व के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों को आमदनी में इजाफा हुआ। चूंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी इसलिए औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत के उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद। और दोस्तों आप लोगों को के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हाई कोर्ट आरओआरओ की वैकेंसी आने वाली है तो उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।